उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में गौशालाओं के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं गौ सेवक गायों के नाम पर सरकारी धन लेकर अपनी जेबें भर रहे हैं। जनपद हरदोई में कैनाल रोड पर सुरभी गौ सेवा केंद्र में भूखी प्यासी गाय तड़पती दिखाई पड़ी और जमीन पर लेटी बीमार गायों की देखभाल के लिए यहां पर कोई मौजूद तक नहीं है। इसी प्रकार से जनपद के ग्राम पंचायत भदेउरा में गौशाला के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है और गाय सड़कों पर घूम रही है। सरकारी धन को गायों के चारा पानी आदि के लिए दिया जाता है, लेकिन गौशाला के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी उसे भी खा जाते हैं। गौशालाओं की दुर्दशा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अंकित गुप्ता है, प्रदेश महासचिव शिवसेना उत्तर प्रदेश। ये कैनाल रोड पर सुरभि गौशाला चल रही है और यहाँ पर गायों की देखभाल करने का लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो गायें पड़ी हैं यहाँ कोई है नहीं। बताया गया कि जो है जो भी यहाँ के निगरानी करता हैं वो यहाँ कोई मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, गौरक्षा की बड़ी बड़ी बातें तो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी कर रही है और जिला जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि बड़ी अच्छी स्थिति चल रही है भूसा घोटाला से लेके। अब गौओं की हालत तो बहुत बुरी है, गौ माता कहीं कचरा खा रही हैं तो कहीं ब्लेड से कट रही हैं और डॉक्टर्स तो नदारद हैं, उनको तो बस सिर्फ सैलरी लेना है और काम करना है। हरदोई से ब्यूरो चीफ अनिल सिंह की रिपोर्ट।